हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज हम आपको पीडीएफ की कंप्लीट गाइड बताएंगे कि आप कोरल ड्रा में पीडीएफ को कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे उस पर लाख लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारी एक कोरल फाइल है, तो इसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपल तरीका है, कंट्रोल ई दबाएंगे और अपने कहीं जहाँ भी सेव करना हो वहाँ पे यहाँ पर क्लिक करिए और पीडीएफ टाइप करके देखेंगे तो आपको पीडीएफ दिखेगा। आप पीडीएफ करके जहाँ चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं और इसको आप सिलेक्शन जो फाइल आपको सेव करनी हो, जैसे मान लीजिए हमको सिलेक्ट किया हुआ फाइल को सेव करना है सिलेक्शन पर लगाएंगे, और अगर हमको करंट पेज यानी सामने वाला जो पेज दिख रहा है उसको करना है तो करंट पेज पर लगाएंगे। यहाँ से आप अपना चूज कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे तो ये हमारी फाइल, हम इसको क्लोज करते हैं, ये हमारी फाइल जो है पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब हम कोरल हो चुकी है, ये देखिए पीडीएफ बन चुकी है। अब हम इस पीडीएफ को, जैसे कोई भी पीडीएफ फाइल हमारे पास आती है तो उसको कोरल ड्रा में आप एक्सपोर्ट करिए और यहाँ देखिए दो ऑप्शन पूछेगा, टेक्स्ट या करो करो कर देंगे तो फॉन्ट को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, टेक्स्ट करेंगे तो आप उसमें एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ये देखिए ये आप कोरल आ गई और पीडीएफ कोरल में एक्सपोर्ट हो गई। ये आपकी कोरल फाइल बन चुकी है, इसको आप देखिए एडिट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये देखिए छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा कर सकती है। पीडीएफ में हम समझ लीजिए हमने पीडीएफ को भी कोरल में एक्सपोर्ट कर लिया। अब हम कोरल पीडीएफ को एक्सपोर्ट करते समय उसमें लाख लगाएंगे, तो सेम प्रोसेस है आपका। एक्सपोर्ट करिए कंट्रोल ई के साथ, यहाँ पीडीएफ लगाइए और एक्सपोर्ट करिए, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे करंट पेज सिक्योरिटी कुछ इशू आ रहा है, इसको हमको लगता है पहले सेव करना पड़ेगा। पहले सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद अब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे डेस्कटॉप पर और एज पीडीएफ, वहाँ से सिक्योरिटी कुछ दिक्कत आ रही, ये देखिए ये आपको यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करना रहेगा या करंट पेज, हाँ यहाँ पर आपको पीडीएफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे सिलेक्ट करके आप सिक्योरिटी पे जाइए और अपना यहाँ से पासवर्ड जो चाहे लगा देंगे, तो ये आपकी देखिए ये हमारी पीडीएफ फाइल है, ये देखिए पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल हो गई है ये।